मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र के तहत चक्कर में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास के उपरांत यदि कोई सबसे बड़ा विभाग है तो वह सहकारिता विभाग है। उन्होंने कहा कि देश में यदि सहकारिता की शुरुआत हुई है वह हिमाचल प्रदेश से हुई है। बावजूद इसके सहकारिता के क्षेत्र में जिस गति से कार्य होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप दूसरे राज्य की तुलना में प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहकारिता के क्षेत्र में आ रही पिछड़नेपन के लिए सहकारिता से जुड़े हुए लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सहकारिता के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं वह दूसरे तक उस जानकारी को पहुंचाने नहीं देते हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दूसरा व्यक्ति आगे न आ जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किस क्षेत्र में जो जमे हुए हैं वर्षों से इस क्षेत्र में उन्हीं का दबदबा है और भी किसी दूसरे को आगे आने नहीं देते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जमे रहिए, इससे हमें कोई एतराज नहीं, पर सहकारिता के क्षेत्र में जो ठहराव है उसे दूर करने के लिए यदि कुछ नए लोग आना चाहते हैं तो उनका भी इस क्षेत्र में स्वागत होना चाहिए और वरिष्ठ सहकार बंधुओं को उन्हें आगे आने का निस्वार्थ भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सचमुच में बहुत विडंबना है और मुश्किल काम है। जिनको इसके बारे में अच्छी जानकारी होती है वो उस जानकारी को दूसरे तक पहुंचने नहीं देते, अपने तक ही रखते हैं। तो रखने की बात यह है कि फिर वहां पर जो है फिर वो प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरा आदमी आगे आकर के सामने ना हो जाए। इसलिए कई सालों से मैं, आप बुरा मत मानना मेरी बात को, इस सहकारिता के क्षेत्र में जो लोग कई वर्षों से जमे हैं वो जमे हैं, किसी दूसरे को हाथ ही नहीं लगने देते। और ये सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आप जमे रहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बने रहिए, काम करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां रुके पड़े हैं वहां से आगे चढ़ने के लिए, तो कम से कम भूमिका बनाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सबसे विनम्रता है जिसके कारण जो है हम एक जगह पे हैं। यानी कि कॉपरेटिव महकमा इतना महत्वपूर्ण महकमा होता है और ये महकमा ऐसा महकमा होता है, ग्रामीण विकास एक ऐसा महकमा है जो आम आदमी से, गरीब आदमी से, जमीन से जुड़ा हुआ महकमा होता है। और ग्रामीण विकास महकमा और उसके बाद दूसरा अगर कोई महकमा मुझे लगता है कि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, घर घर तक जिसकी पहुंच है, जिसकी जो है नीचे तक जमीन तक पहुंच है, वो हमारा कॉपरेटिव विभाग। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी अगर हमारे सहकारिता के क्षेत्र में अगर हम सब लोग उस तरह से काम करें, जो हमारे ये सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारों को रोजगार के संसाधन देना, या हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेडरेशन के इस प्रांगण में हम, क्योंकि ये मैं देख रहा था ये मिल्क फेडरेशन का हमारा यहां का जो कैंपस है, आप कल्पना करिए, ये काम की शुरुआत 1971 में हुई थी, 1971 में शुरू हुई थी, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के माध्यम से हुई थी। और उसके बाद लंबे समय तक जो है ये जो काम चला, उस काम में बहुत प्रगति नहीं हो पाई। एक परिस्थिति थी, लोग दूध का अभिप्राय समझते थे कि ये दूध अपने लिए है, ये आय का साधन नहीं है, घर में परिवार के बीच में दूध घी का हमारा गुजारा हो, अपने बलबूते हो, उन सारी चीज के लिए एक वक्त ये सारी चीज, ये जो है वो गाय पालना और गाय का दूध परिवार के लिए आवश्यक, घी परिवार के लिए आवश्यक, इससे बाकी इससे आय का साधन, परिवार के लिए रोजगार का साधन, इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोचा नहीं गया। लेकिन शुरुआत हुई 1971 में। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री राजीव सहजल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस कार्यक्रम में पधारने पर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दूरगामी सोच के कारण सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ेगा।
इस अवसर पर सहकारिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली सहकारी सभाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर साधना, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक इंद्र सिंह गांधी, विनोद कुमार, राकेश जम्बाल, प्रकाश राणा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम सोलन में हुआ था और उसमें भी पूरे प्रदेश से सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हमारे सभी लोग उस सम्मेलन में एकत्र हुए थे और उसमें भी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिला था। हम सब जानते हैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का सपना समान भाव से सबका साथ सबका विकास की भावना को हृदयंगम करते हुए पूरे प्रदेश को विकास की राह के ऊपर आगे बढ़ाना है और उनका यह सपना सहकार की भावना के बिना पूरा नहीं होगा। और मुझे लगता है यही कारण है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी सहकारिता विभाग का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आप हमें समय अवश्य देते हैं। आपने आज भी हमें समय दिया प्रेरणा का स्रोत बन करके और हम सबका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, एक आशा की किरण जगाने के लिए कि सहकारिता के माध्यम से पूरे प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है। आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं।